आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन सी गाड़ी आने वाली है, यानी कि लॉन्च होने वाली है। तो जानिए हमारी इस वीडियो में और जानिए कि वो 10 गाड़ियां कौन कौन सी आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। एस्कोडा सुपर्ब 2019। सुपर्ब 2019 को लॉन्च करा जाएगा 2019 की एंड में या फिर 2020 की शुरुआती महीने में। इस कार में आपको नया अपडेटेड फ्रंट बम्पर, LED मैट्रिक्स, हेडलाइट्स, फुल LED टेल लैंप्स और डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। इसमें आपको 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये गाड़ी एक हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। इसमें PHEV पावर ट्रेन ऑप्शन मिलता है। गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत होगी 25 लाख रुपए की। MG RX 5। RX 5 एक SUV कार होगी। ये कार इंडिया में इस साल यानी कि 2019 के दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी या फिर 2020 के शुरुआती महीने में। चाइना में RX 5 में आपको 2 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं और इसके साथ साथ ये हाइब्रिड वर्जन के साथ भी आती है। डीजल में आपको इसमें 2.0 लीटर का मल्टी जेट डीजल इंजन मिलता है। ये कार ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च होगी इंडिया में और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत होगी 14 लाख रुपए की। निसान एक्स-ट्रेल। एक्स-ट्रेल एक SUV कार होगी। इसको लॉन्च करा जाएगा इंडिया में 2019 के एंड में। निसान ने हाल ही में यूरोपियन मार्केट में एक्स-ट्रेल की 3rd जनरेशन वर्जन लॉन्च किया है। इंडिया में इस कार को सिर्फ पेट्रोल इंजन में लॉन्च करा जाएगा जो कि हाइब्रिड इंजन होगा और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत होगी 22,60,000 रुपये की। हुंडई वर्ना 2020। वर्ना 2020 को इंडिया में लॉन्च करा जाएगा 2019 के एंड में या 2020 के शुरुआती महीने में। हुंडई ने अभी सिर्फ ये बताया है कि ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में लॉन्च होगी। डीजल में अभी इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन पेट्रोल में तो लॉन्च होगी ही होगी। इसमें आपको 4 सिलेंडर और 16 वाल्व मिलेंगे। ये कार मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ मिलेगी और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत होगी 10 से 15 लाख रुपए की। मारुति अल्टिगा स्पोर्ट। अल्टिगा स्पोर्ट को इंडिया में लॉन्च करा जाएगा 2020 में। अल्टिगा के स्पोर्ट वर्जन में आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि आसानी से 103 यानी 103 BHP और 138 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। ये गाड़ी एक 7 सीटर MUV कार होगी और गाड़ी की एक्सपेक्टेड कीमत होगी 8,30,000 रुपये की। MG Baojun 510। MG Baojun 510 एक SUV कार होगी। ये कार इंडिया में 2020 के शुरुआती महीने में लॉन्च हो जाएगी। MG ने अनाउंस किया है कि ये गाड़ी इंडिया में सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलेगी। बाओजून 510 सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिलेगी और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत है 11 लाख रुपए की। टाटा कंपनी की एल्ट्रोज। एल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक कार होगी इंडिया में। इस गाड़ी को लॉन्च करा जाएगा 2020 में। टाटा अपनी एल्ट्रोज में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देगी और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गेयरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा और गाड़ी की एक्सपेक्टेड कीमत शुरू होगी 6 लाख रुपए से। मारुति कंपनी की XL5। जी हाँ, अब XL6 के बाद XL5 आएगी। ये कार एक हैचबैक कार होगी। ये कार इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और ये गाड़ी XL6 का छोटा वर्जन होगी क्योंकि ये एक 5 सीटर हैचबैक कार होगी। इस कार में आपको K सीरीज वाला इंजन मिलेगा जो कि 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो हमें एल्टो और सिलेरियो कार में मिलता है। ये कार भी AMT और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में मिलेगी, यानी ऑटोमेटिक और मैनुअल, और गाड़ी की एक्सपेक्टेड कीमत होगी 5 लाख रुपये की। होंडा सिटी 2020। होंडा सिटी 2020 को लॉन्च करा जाएगा 2020 में ही। सिटी में इस बार आपको हाइब्रिड इंजन देखने को मिल सकता है। इस कार की लुकिंग पूरी चेंज हो गई है। ये कार पेट्रोल डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में लॉन्च होगी इंडिया में। फिलहाल इस गाड़ी को टेस्ट करा जा रहा है थाईलैंड में और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम कीमत शुरू होगी 10 लाख रुपये से। टोयोटा कंपनी की कोरोला 2020। कोरोला 2020 को लॉन्च करा जाएगा फरवरी 2020 में। कोरोला अल्टिस इंडिया में एक बहुत आउटडेटेड गाड़ी थी, इस वजह से टोयोटा कोरोला को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है
अपडेट करके इसकी लुकिंग बहुत ही लाजवाब है। ये कार इंडिया में सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होगी और इसकी एक्सपेक्टेड कीमत होगी 15 लाख रुपए की। तो ये हैं 10 वो गाड़ियाँ जो कि आने वाली हैं इंडिया में, और आपको इनमें से कौन सी गाड़ी का इंतज़ार है? क्या आपको इन गाड़ी में से कोई गाड़ी पसंद है या नहीं है, या आप किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।